भारत के 5 सबसे महंगे गाने जिसका बजट सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। इन सभी गानों के बजट इतने ज्यादा हैं कि आप इसमें से तो एक मूवी बना सकते हैं, और नंबर 1 पर तो ऐसा गाना जिससे आप एक कंतारा जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी बना सकते हैं। नंबर 5 पर राम चाहे लीला सॉन्ग आता है। यह सॉन्ग गोलियों की रसलीला मूवी का है। इस गाने के लीड रोल में ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा है। इस सॉन्ग का बजट 6 करोड़ रुपए है। नंबर 4 पर पार्टी ऑल नाइट सॉन्ग आता है। यह गाना बॉस मूवी का है। इस गाने के लीड रोल में हनी सिंह, अक्षय कुमार और सोनाक्षी सिन्हा है। इस गाने को शूट करने के लिए विदेशों से 600 डांसर हायर किए गए थे। इस गाने का बजट 6 करोड़ रुपए है। नंबर 3 पर वो अंटावा सॉन्ग आता है। साल 2021 में पुष्पा फिल्म के लिए आइटम सॉन्ग रिलीज किया गया था। इस गाने के लीड रोल में अल्लू अर्जुन और समर्था हैं। इस गाने का बजट 6 करोड़ रुपए है और सिर्फ 3 मिनट डांस करने के लिए समर्था ने 5 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। नंबर 2 पर घर मोरे परदेसिया सॉन्ग आता है। यह गाना कलंक मूवी का है। इस गाने के लीड रोल में आलिया भट्ट, वरुण धवन और माधुरी दीक्षित है। इस गाने का बजट 7 करोड़ रुपए है। नंबर 1 पर जाने से पहले अगर आप लोग इंडिया से हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दूसरे कंट्री से हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। नंबर 1 पर तू ही रे सॉन्ग आता है। यह सॉन्ग रोबोट 2.0 फिल्म का है। इस गाने को शूट करने के लिए 10 दिनों का वक्त लगा था। इस गाने के लीड रोल में सुपरस्टार रजनीकांत और एमी जैक्सन है। इस गाने का बजट 20 करोड़ रुपए है।